साथियों, आज त्रिपुरा के लिए बीजेपी का मतलब है विकास की राजनीति, लेकिन यहां कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है विनाश की राजनीति। और कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है करप्शन की राजनीति। जब तक त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस पक्ष विपक्ष में रहे, यहां करप्शन फलता फूलता रहा। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले यही लोग अपनी लूट की दुकान बचाने यहां एक साथ आ गए हैं। साथियों, ये कांग्रेस कम्युनिस्ट इतने अवसरवादी है, यहां त्रिपुरा में इनका गठबंधन है, लेकिन केरला में ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्टों को कांग्रेस पार्टी वाले रोज वहां भाषण में कम्युनिस्टों को आतंकवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहते। आप वहां के अखबार देख लीजिए, यही बोलते हैं। करप्शन को लेकर ये देश के साथ कैसे खेल खेलते हैं, ये भी त्रिपुरा की धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं। सब जानते हैं कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाली युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मैं बार बार केरला सीएम की भ्रष्ट सरकार का सच लोगों के सामने लाता हूं, लेकिन तब कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। अब कांग्रेस के युवराज की आलोचना हुई तो कांग्रेस केरल के सीएम को जेल में डलवाना चाहती है, लेकिन साथियों वहां तो जेल में डलवाना चाहते हैं और यहां महल में भेजना चाहते हैं, ये कौन सा तरीका है? लेकिन साथियों, जैसे ही कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी, यही कांग्रेस चीख चीख कर कहना शुरू कर देगी कि मोदी ने गलत किया है। यही है इन लोगों का असली चेहरा। इसलिए जब मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ। साथियों, पहले राजनीतिक पार्टियां और सरकारों को नॉर्थ ईस्ट की याद तभी आती थी जब उन्हें आपके वोट चाहिए होते थे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। आपको याद है ना, उनकी पॉलिसी थी लूट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन 10 साल पहले मोदी ने कांग्रेस कम्युनिस्टों के इंडी अलायंस वालों की लूट ईस्ट पॉलिसी को ताले लगा दिए, बंद कर दिया। अब देश लूट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री हूं जो पिछले 10 वर्षों में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं, जबकि कांग्रेस सरकार में कई मंत्रियों को यह भी पता नहीं होता था
कि भारत के नक्शे में त्रिपुरा कहां पड़ता है।